जसरा कौरवों और पांडवों के बीच सिंहासन को लेकर युद्ध हुआ था, वही स्थिति हाल फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी की है। लोजपा के दिवंगत रामविलास पासवान और उनके भाई रामचंद्र पासवान के सुपुत्र आपस में सिंहासन को, कुर्सी को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रिंस राज पर कुछ गंभीर आरोप दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म करने और संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। ये पूरा मामला 9 सितंबर को दर्ज हुआ है, लेकिन आपको बता रहे हैं इस मामले में जो बयान प्रिंस राज का सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल प्रिंस ने फरवरी के महीने में एक FIR दर्ज करवाई थी उस युवती के खिलाफ और उसमें उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने युवती से गाजियाबाद में संबंध बनाए हैं उनके घर पर। और इस बात की जो अब इस बयान का यूज ऐसे किया जा रहा है कि प्रिंस राज ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि प्रिंस ने क्या कहा है अपने बयान में, अपनी FIR में, वो सुनना चाहिए। दरअसल प्रिंस राज ने कहा है कि जून के महीने में 2020 में उन्होंने उस युवती के साथ संबंध बनाए थे। वो उनके घर पर आई थी और युवती की मर्जी से संबंध बनाए थे। इसी दौरान युवती के साथ उसका मंगेतर था, उसके मंगेतर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को वायरल करने के नाम पर लगातार वसूली करते रहे ये लोग प्रिंस राज से। प्रिंस राज ने कहा है कि वो अब तक 2 लाख रुपए एक्सटॉर्शन के तौर पर दे चुके हैं, लेकिन जब रकम इतनी बड़ी मांगी गई कि वो नहीं दे पा रहे थे तो फिर उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। दरअसल प्रिंस राज का कहना है कि उनसे 11 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन के तौर पर मांगे गए थे। जब एक्सटॉर्शन के तौर पर इतनी बड़ी रकम मांगी गई तो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई और उस FIR में सारा ब्यौरा दिया कि किस तरह से उनके मन मुताबिक, यानी कि दोनों की रजामंदी से उन्होंने संबंध बनाए, लेकिन संबंध बनाने के दौरान लड़की के मंगेतर ने वीडियो बना लिया और वीडियो को वायरल करने के तौर पर लगातार उनको धमकी दी जाती रही। तो ये पूरा मामला है किस तरह से एक्सटॉर्शन जो है, आप जानते हैं कि पूरे देश में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ कुछ महिलाएँ लगातार कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। और इसी के चलते ये एक अजीब सा मामला सामने आया है कि 2020 फरवरी में एक FIR दर्ज करवाते हैं प्रिंस राज और अब जाकर सितंबर में एक FIR दर्ज करवाती है वो लड़की जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन का इल्ज़ाम लगाया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। और लड़की सिंपल सा फंडा अपना रही है क्योंकि एक फॉर्मेट है कि उससे शारीरिक संबंध बनाए गए शादी का झांसा देकर, और अब शादी नहीं की जा रही। युवती बिहार की रहने वाली है और आप जानते हैं बिहार की राजनीति किस तरह की है। हाल फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।